sight. It's been a while since I stood here and stared you in the eye. So I'm not gonna waste your time, and I'm not gonna waste theirs. Don't let this suit fool you. I am coming to kick your ass. I said we'd put the pressure on you and you would become a diamond in this business. Here's the thing. A lot of people have tried to put me down. They're all gone. And I'm still here. Trust me when I tell you, you are not the one. तो सो लेटेस्ट रूमर्स के मुताबिक WWE में जल्द ही ऐसा होने वाला है। हम सभी ने रसलमेनिया 40 किक ऑफ शो देखा, जहां रॉमर ने कहा कि उन्होंने द रॉक को चुना। फिर द रॉक ने सामने आकर कहा कि यह रसलमेनिया के हिस्ट्री का सबसे बड़ा मेन इवेंट होगा। उसके बाद द रॉक ने सामोन फैमिली ट्री के बारे में बात की और फिर कोड रोड्स आए। कोड रोड्स ने बताया कि वो रसलमेनिया में रॉमर के साथ मैच चाहते हैं। कोड रोड्स ने रॉमरेस के फैमिली के बारे में भी बात की, जिसके लिए रॉक ने कोड रोड्स के चेहरे पर थप्पड़ मारा। और फिर स्मैकडाउन के लेटेस्ट एपिसोड के दौरान ट्रिपल एच ने रॉमरेस और कोड रोड्स के बीच मैच को ऑफिशियल बना दिया। ट्रिपल एच ने यह भी कहा कि इट डजंट मैटर इफ यू लाइक इट और नॉट, यह द रॉक पर टारगेट था। ऐसे में फैंस ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि ट्रिपल एच इस फ्यूड में कैसे शामिल होंगे। तो दोस्तों, आप इस रूमर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।